हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कानपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे हुक्काबार के खिलाफ अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत शहर में अवैध रूप से चल रहे 3 हुक्काबार पर पुलिस ने कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने इन हुक्काबार के मालिकों सहित 35 लड़के लड़कियों को हुक्काबार से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने कई हुक्के और फ्लेवर्ड तंबाकू भी बरामद की। मिल रही जानकारी के मुताबिक कानपुर पुलिस ने चकेरी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे फूड एंड नट हुक्काबार, केडीए कॉलोनी जाजमऊ में चल रहे मेलोनाइट हुक्काबार और कैंट थाने के गोलाघाट में चल रहे पीवीसी हुक्काबार पर छापा मारा। पुलिस के पहुंचते ही हुक्काबार में हड़कंप मच गया। हुक्के की कस लगा रहे लड़के लड़कियां पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते दिखे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने फूड एंड नट हुक्काबार के मालिक चमनगंज के रहने वाले तौरैद अहमद, पीवीसी हुक्काबार के मालिक गोलाघाट के रहने वाले राहुल और मेलोनाइट हुक्काबार के मालिक केडीए कॉलोनी के रहने वाले मोहम्मद अनस को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने हुक्काबार में हुक्के की कस लगाते हुए करीब 35 लड़के लड़कियों को भी पकड़ा। पुलिस के मुताबिक इनमें से कई नाबालिग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर यू न्यूज।